हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग होटल से निकल चुके बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए। वहीं पे जाके नहाएंगे, वहाँ पे सब बोल रहे कि करम कुंड है, तो वहाँ पे उसमें ही जाके नहाएंगे। यहाँ पे ठंडी बहुत है, इसके लिए ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते, क्योंकि पीछे एक पीछे पूरा बर्फ़ का हिल्स है, तो नहा तो नहीं सकते अंदर, और पानी भी बहुत ठंडा है। तो इसके लिए हम लोग गर्म पानी में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो निकलते चलो बाहर जाते उधर। मंदिर अभी दिख गया है, दिखा आपको, वो देखो सामने दिख रहा है, वही है मंदिर बद्रीनाथ। और देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, लाइटिंग वगैरह किया हुआ है तो, और कलरिंग तो लाजवाब है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा, पहले हम लोग स्नान करेंगे, फिर उधर जाके दर्शन करेंगे, फिर आपको मैं व्यू बताता हूँ। गरम कुंड देखो, इसमें से कैसा धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है ये। इतने बर्फ पहाड़ियों में भी इतना पानी गर्म है, मतलब ये तो चमत्कार है। तो मैंने भी नहा लिया है, तो अपने जब ये जो गरम कुंड देखा, वो बहुत गर्म पानी था उसमें, तो उसमें भी नहा लिया। और अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करने, ठीक है, तो चलो। ये रहा पूरा व्यू बद्रीनाथ मंदिर का। इसके अंदर फोटोग्राफी तो मना है और वीडियोग्राफी नहीं मना, इसके लिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ से जो नदी है वो अलकनंदा बह रही है नदी, और उसके सामने बद्रीनाथ मंदिर, और पूरा स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, और कलरिंग भी बहुत अच्छा किया है। ये बाहर का स्ट्रक्चर है, और एक अंदर है जो केदारनाथ टेम्पल है, से वैसे ही बद्रीनाथ जी का भी टेम्पल है, और अंदर मंदिर वगैरह है। और यहाँ पे जो तुलसी की माला होती है वो चढ़ती है, और यहाँ पे पूरा व्यू है पूरा। और यहाँ पे भी गंगोत्री यमुनोत्री के जैसे गरम कुंड है, वहाँ पे आपको स्नान करना और फिर ही अंदर जाना है। अभी अभी धूप निकली है और धूप ज़्यादा है, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने तो दो दो स्वेटर पहन रखे, क्योंकि ठंडी इतनी थी, धूप निकली है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दिखाने जैसा तो कुछ नहीं, खाली पीछे सीनरी है जो बर्फ वगैरह है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और नीचे से जो नदी जा रही है वो अलकनंदा नदी, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत देखने लायक है, और ये जो मंदिर है उनको जो उसको जो कलर किया है वो तो बहुत सही किया है, एकदम देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आगे जाके कुछ वगैरह शॉपिंग वगैरह करेंगे हम लोग। शॉपिंग कुछ मतलब वो सिक्का जैसा मिल रहा है यहाँ पे, वो हमने ले लिया है, और प्रसाद भी ले लिया है। तो आगे जाके यहाँ पे शॉपिंग देखते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहीं पे हमारे चारों धाम सफल होते। हेलो, ये लास्ट धाम था बद्रीनाथ, जो भी पूरा हो चुका है, और चारों धाम की सीरीज यहीं पे पूरी होती है। चलो अभी मैं अपने होटल पे जाता हूँ और बैग पैक करके निकलते हैं हरिद्वार के अंदर, ठीक है। और व्लॉग भी यहीं पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में।
अभी सीधा मुंबई, सब जो भी ब्लॉग आएगा वो सब मुंबई के होंगे। ठीक है, चलो बाय।